नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाऊंगी, तो हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखना। तो दोस्तों देखिए, हम खेत में आए हुए हैं तो हमने ये डलिया लिया है, खेत में कितनी सारी सब्जियाँ बोई हुई है, हम इसी में से सब्जी लेंगे तो आप सबको दिखा देते हैं। तो देखिए कितना सारा सब्जी इसमें बोए हुए हैं हमने। तो आइए हम इधर से, तो यहाँ हमने देखिए थोड़ा ही करेला बोया हुआ है, बहुत थोड़ा है, बस दो चार पेड़ है बस, इसी में से हम करेले को देख के तो लेती हूँ जो फरा होगा अच्छा होगा। तो देखिए हम इसी में से करेले को देख के तो लेती हूँ, और देखिए देखिए कितना फरा हुआ है करेला, तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं ये, तो जो बड़ा होगा देखिए तो उसी को हम तोड़ लेते हैं। देखिए एक इधर है तोड़ने लायक, इसे हम तोड़ लेती हूँ, और एक इधर है, इधर भी है एक, इसे भी तोड़ लेती हूँ, इसी में से हम और देख के तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए अभी फरना शुरू हुआ है, तो एक इधर है इसे तोड़ लेती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी आज हम इसी करेले की रेसिपी बनाऊँगी और बहुत ही अच्छी। तो पहले हम करेले को तोड़ लेती हूँ, देखिए एक इधर भी है, ये किधर भी है, इसे भी तोड़ लेती हूँ और हम देख लेती हूँ कितना फैला हुआ है करेला, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में इसका, देखिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है एकदम हरा भरा। और हम इधर भी देख लेती हूँ करेले की, जो है कई सारी रेसिपी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है करेला खाने में, थोड़ा कड़वा होता है लेकिन इसका जो है स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हम तो ये देखिए कितना अच्छा से इसे ये देखिए कितना छोटा है करेला, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, इसमें फूल कितने सारे लगे हुए हैं। तो हमने अपने जरूरत भरे का करेले को तोड़ लिया है, तो देखिए हमने इतना सारा करेला तोड़ा है, इतना अच्छा करेला दिख रहा है, तो देसी करेला है, बहुत ही अच्छा होता है देसी करेला। तो करेले को हम लेकर चलती हूँ घर पर और बनाऊंगी इसी करेले को। हम घर लेकर आ गई हूँ, तो हम ये बर्तन है इसमें पानी रखकर करेले को पहले अच्छे से धोकर साफ कर लेती हूँ, जो धूल मिट्टी लगी होगी साफ हो जाएगी इस तरह से। तो करेले को हमने धो लिया है, हमने लहसुन है इसका छिलका उतार लिया है, प्याज का भी छिलका उतार लिया है, आधा अदरक है इसे भी धोकर साफ कर लेती हूँ। तो करेले को हमने धोकर साफ कर लिया है, तो लहसुन प्याज अदरक को भी धो लिया है, तो करेले को हम दोनों तरफ से इस तरह से काट लेती हूँ, दोनों तरफ डंठल हम इस तरह से अलग कर देती हूँ। तो इसी तरह सभी करेले को हम काट लेती हूँ। तो करेले को हमने काट लिया है दोनों तरफ डंठल को, इस तरह से बीच में हम चीरा लगा देती हूँ इस तरह से। तो इसका जो है इसमें का जो बीज है हम इस तरह से निकाल लेती हूँ, तो हमारा मसाला जो है जो अच्छे से भरा जाए इसमें। इसका बीज भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, देखिए कितना अच्छा से। इसी तरह हम और भी लगाकर इसका बीज जो है निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी करेले को इस तरह से चीरा लगाकर इसका बीज जो है निकाल लेती हूँ। सभी करेले को हमने काट लिया है, तो हमने ये प्याज लिया था, प्याज भी काट लिया है, तो लहसुन और अदरक है इसका हम पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन और अदरक हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, तो इसे हम उठा लेती हूँ स्प्रेड पे। तब चलते हैं चूल्हे के पास। चूल्हे पर हमने आग को जला दिया है, चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल एक चम्मच, तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच जीरा,
जीरा डाल दिया हमने, तो यह है सौंफ, आधा चम्मच सौंफ डाल देती हूँ। इसे अच्छे से तड़कने देती हूँ। सौंफ और जीरा हमारा तड़क चुका है, इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो प्याज को हम हल्का सुनहरा होने देती हूँ। तो प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ अदरक, चुटकी भर हींग, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इन्हें भी हल्का भून लेती हूँ। तो लहसुन और अदरक हमारा अच्छा से पक चुका है, इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर है चम्मच, आधा किलो हमारा करेला है, तो इस हिसाब से हम मसाले को डाल रही हूँ। एक चौथाई चम्मच हम डाल देती हूँ लाल मिर्चा पाउडर कलर के लिए। तो मसालों को हम अच्छे से भून देती हूँ। मसाला हमारा भून चुका है, तो हमने जो करेले का बीज निकाल रखा था उसे डाल देती हूँ। इसे हम अच्छे से भून लेती हूँ 2-3 मिनट। तो मसालों को हम अच्छे से भून लिए हैं, तो इसमें डाल देती हूँ एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो इन्हें हम अच्छे से 1 मिनट भून लेती हूँ। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, 1 मिनट हमने भून लिया है, इसे हम कढ़ाई को उतार देती हूँ। तो मसालों को हम एक बर्तन में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा हो चुका है, तो करेले में हम मसाले को भर देती हूँ इस तरह से, कि कितना अच्छा से भरा जा रहा है मसाला एकदम से, देखिए इसी तरह। देखिए हमने दूसरे करेले में भी मसाले को भर दिया है, इतना अच्छा से देखिए पूरा एकदम भरा भरा है। इसी तरह सभी करेले में मसाले को भर लेती हूँ। तो सभी करेले में हमने मसाले को भर लिया है, तो हम चूल्हे पर कढ़ाई को रख दिया है। तो हमने लगभग 2 चम्मच तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें सभी करेले को रख देती हूँ इस तरह से। सभी करेले को कढ़ाई में रख दिया है, तो थाली है इसे ढक देती हूँ। तो करेले को हमने ढक दिया है, तो कम से कम इसे 5 मिनट पकने देते हैं। तो 5 मिनट हो चुका है, हम करेले को देख लेती हूँ। तो करेले को हम सभी करेले को पलट देती हूँ वैसे। सभी करेले को हमने पलट दिया है, तो 5 मिनट तक फिर ढक देती हूँ। 5 मिनट हो चुका है, हम फिर देख लेती हूँ। देखिए दोस्तों करेला हमारा अच्छे से लगभग पक चुका है, तो हम देख लेती हूँ। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर। इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर देती हूँ, हमें सिर्फ बाहर का करेला ही पकाना है, अंदर तो मसाला हमने पकाया हुआ है। इस तरह से देखिए करेला भी हमारा लगभग पक चुका है, देख लेती हूँ। देखिए अच्छे से कट गया है चम्मच से, करेला हमारा पक चुका है, थोड़ा हम 2 मिनट और पका लेती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा करेला कितना अच्छे से पका हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है, इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। दोस्तों करेला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए, तो करेला खाना चाहिए। तो बहुत लोग कड़वा के नाते करेला नहीं खाते हैं, तो आप लोग करेला इस तरह से करेला बना के खाएँगे, तो उसका जो करेले का कड़वापन नहीं आएगा। तो आज हमने इसी प्रकार हम बनाती हूँ, आज बनाकर आप सबको शेयर कर रही हूँ।
बहुत ही अच्छा। तो करेला हमारा पक चुका है, तो करेले को हम उतार देती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा करेला बनकर तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों इस तरह से आप करेला बनाकर खाएंगे तो कभी कड़वापन नहीं लगेगा जिस तरह से हमने बनाया है, तो एक बार इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लगा। इसे आप चाहे तो रोटी से खा सकते हैं, पराठा से भी खा सकते हैं, पूड़ी से भी खा सकते हैं, जिससे चाहें आप उससे खा सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी थी करेले की कलौजी। तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।